अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए आज जी राजस्थान न्यूज की टीम पहुंची प्रतापगढ़ जिले की धरियावाद पंचायत समिति के बीच यहां की समस्याओं को जानने के लिए। धरियावाद क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2 लाख है। ज्यादातर लोग रोजगार के लिए खेती पर निर्भर हैं। धरियावाद पंचायत समिति में 38 ग्राम पंचायतें हैं। बुनियादी जरूरतें पूरी न हो पाने की वजह से क्षेत्र के विकास में बाधा आ रही है। इस क्षेत्र को आज भी विकास की दरकार है। यहाँ सड़कों की हालत खराब है, पानी और बिजली की समस्या भी अपने पांव पसारे हुए है। परिवहन के साधनों का अभाव होने से लोग ओवरलोडेड वाहनों में सफर करते हैं। स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी है। इसी के साथ तमाम विभागों में कर्मचारियों की बेहद कमी है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायतें बजट कब मिलने की परेशानी से जूझ रही हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी अभाव है। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ के जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं आज की ग्राम चौपाल में इनकी कितनी समस्याओं को सुना गया। सबसे बड़ी कमी रोड की है। उसके बाद हमारे कास्तकारों को लाइट भी हमारे यहाँ 5 घंटे मिल रही है। आज की रात को बेहद कास्तकार परेशान है। 5 घंटे के अंदर कोई खेती नहीं हो सकती है। एक बड़ी समस्या ये है सर। तीसरी समस्या ये है कि हमारे ये हनुमान जी सागर है, इसके लिए कई बार हमने मांग की है, आज तक इस हनुमान जी सागर का कोई निर्णय आया है। सरकार को भी कहा है, हमारे जलदायु मंत्री आए, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, आज तक उसका कोई हल नहीं रहा है। और छोटा पॉइंट यह है कि आज तक हमारे 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़े थे, गए साल का बोर्ड था 8वीं क्लास में, उनको आज तक 7 तरह से उनके खाते में नहीं पड़ी है। हमारे 2 साल मतलब ऐसी पंचायतें, किसी स्कूल में, किसी पंचायत में 5 स्कूलों में आई है, किसी में 2 महीने आई है, वहाँ भी लोग हमारे चक्कर मार रहे, वो भी परेशान है सर। और छोटा पॉइंट ये है कि हम जो मतलब हर बार सरकार बहुत बड़ा स्कीम चला रही है, जैसे नरेगा में बेड बंदी वाला है, मतलब कोई 3 शेड वाला है, कोई कुआ की बात करिए, आज तक हमारे दरियावाद तहसील के अंदर में एक भी कार्य नहीं हुआ है। लोग हजारों मतलब घूम रहे भी, आज तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। चिकित्सा विभाग में सर आज मास्टर भी नहीं है स्कूलों में। हमारे जैसे 100 मास्टर का स्टाफ है, वहाँ 8 मास्टर लगा रखे, 6 मास्टर लगा रहे सर, बहुत सारी कमियाँ हैं। पुलिस स्टाफ में भी अभी तो कमी है, हमारे यहाँ 8 का स्टाफ की जरूरत है, 3 आए हैं, वो भी कमी है। और शिक्षा विभाग में भी डॉक्टरों की थोड़ी लापरवाही भी है, कमी भी है, दोनों काम है। वहाँ पर मरीज जाते हैं, उनको खाट सही नहीं मिल रहा है, वहाँ बराबर खाट नहीं, व्यवस्था नहीं हो रही है उन सब की, और मरीजों को नीचे भी लेटना पड़ रहा है। ये इतनी सारी समस्या है सर। अतिक्रमण की है सर, सारी सरनोट जगह है, जैसे बिलाना में ऐसे पंचायत की जमीन है, हमने कई बार प्रशासन को लिखा है, लेकिन हमारे को सहयोग नहीं देते, मतलब सपोर्ट नहीं करते। हम कब्जा हटाने देते, हमको जब्ता नहीं मिलता है, या पुलिस की कमी है, या हमारे तहसीलदार साहब उनको पटवारी को नियुक्त कर देते हैं, जब पटवारी साहब उनका मौका देख लेना, प्रशासन को साथ में आके कब्जा किसी को दिलाना पड़ता है सर। ये व्यवस्था भी कमजोरी है दरियावाद तहसील में। घर से गुहार हम ये लगाना चाह रहे हैं कि भाई सरकार अच्छा काम करे, और हर सरकारी योजना गरीब तक नहीं पहुँच रही। आज की तारीख में 10% तक योजना गरीब को नहीं पहुँच रही है। गरीब उन कागजों के चक्कर में घूम रहा है और उनका काम नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ राशन है डीलर, मतलब खाद्य सुरक्षा में भी हमारे डीलरों को गेहूँ कम मिल रहे, और लोग उपभोक्ता दौड़ते रहते आ कर और परेशान करते, और आज तक ऊपर वाले गेहूँ नहीं दे रहे। जैसे 160 बोरी कुआं हमारे एक कोटे पे सही है, वहाँ 80 बोरी कुआं आ रहे, बाकी पब्लिक कहाँ जाएगी सर। आज तक रोड में तो रोड से ये मतलब जो मिट्टी उड़ती है उनसे कई लोगों को बीमार हो रहना पड़ता है, और कई जाने भी चली गई, लेकिन सरकार ने आज तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मुंगाना से शक्करखंड जा रही है, वो सड़क आज स्थिति खराब है। पारसोला मुंगाना से बरकुंडी जा रही है, वो सड़क खराब है। मुंगाना से दरियावाद जा रही है, वो भी सड़क खराब है। मुंगाना से नरवाली जा रही है, वो भी खराब है। मुंगाना से बोरिया जा रही है, वो भी खराब है। सारी सड़क की हालत नाजुक है आज की तारीख में, और स्थिति है बाइक वाला जो 10 मिनट में पहुंचता है, वहां 2 घंटे लगते। सबसे ज़्यादा समस्या सड़क की है सर। सड़कें बहुत ही खाल्स हालत ऐसी खालसा है, किसी भी चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या कोई भी वाहन रोड पे निकलना नामुमकिन हो गया है। सबसे पहले सरकार का हमारा विशेष ये आग्रह है कि सड़क पर ध्यान दिया जाए। अगर सड़कें सही होंगी तो सब कार्य
जो वाहन का आना जाना है, ट्रैफिक के, ये सब कार्य सिद्ध रहेंगे। शिक्षा में स्टाफ की कमी है, जो जहाँ पर भी विद्यालय है वहाँ दो चार ही गुरुजी आए जाते हैं, तो स्टाफ पूरा लगाया जो बालकों का अध्ययन अध्यापन कार्य सही विधिवत हो सके। अच्छा, सड़कों की जो इतनी हालत है जिनकी कोई बताने लायक स्थिति नहीं, क्योंकि इतने खड्डे हो गए, जो दो या चार चार फीट के इतने लंबे खड्डे हैं, जिसकी वजह से परेशानी इतनी हो रही है कि आने वाले आवाजाही को इतनी मतलब दुर्घटना से इतने दुर्घटना क्षेत्र हैं जिसकी कोई समस्या नहीं। उसके बाद में हमारे जो डीलर भाई हैं उनके भी बहुत समस्या, जिनके गेहूँ की मात्रा आज इतनी कम कर दी है जिससे कि आने वाले उपभोक्ताओं को हमें देने में इतनी परेशानी होती है कि वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं और उनको बराबर टाइम पे राशन नहीं मिल रहा है। और उसके बाद में हमारे बाकी गांव में एक विद्युत जो बिजली की समस्या, वो रात को दे रहे हैं, जो 3 फेज कनेक्शन है उनको रात को लाइट दे रहे हैं। तो मेन समस्या ये है कि किसान भाई जो रात को कैसे पानी पिलाए। मेरी ग्राम पंचायत में आबादी 2011 के आधार आर्थिक आंकड़ों के जनजातीय आंकड़ों के आधार पर 6000 है और वर्तमान में आबादी है 7000 तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की टंकी ग्राम कुंता में पूर्व में प्रस्तावित थी ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अंतर्गत, तो माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री किरण जी माहेश्वरी को माननीय विधायक महोदय द्वारा इसे तो आश्वस्त किया गया था कि मैं ग्राम पंचायत कुंता में पानी की टंकी जो 1,27,00,000 की लागत से नई पूरी लाइन और टंकी बनेगी, तो ग्रामीणों को उनसे आस है कि जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में दरिया मेरे ग्राम पंचायत कुंता दरियावत CSC मुंगाड़ा CSC दोनों से क्रमशः 15 और 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आमजन जो ग्रामीण समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों को दोनों तरफ आने में आर्थिक नुकसान भी होता है और कोई अर्जेंट जैसे कोई आपातकाल की स्थिति में उनको एक साधन भी नहीं मिल पाते हैं। वन क्षेत्र अधिक होने के कारण उनको दुर्घटनाएं बहुत होती है, तो ग्राम पंचायत PSC के लिए हमने भूमि आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा करवा दिए, तो उसका भी हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इसकी ओर ध्यान देगी। और क्योंकि ये ग्रामीण जो आदिवासी लोग हैं वो रात को दिन को ये इतने दूर आते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं सरकार की योजनाओं को। सड़कें खराब हो रही है, सड़क एक नया सेंक्शन 91 हाईवे सेंक्शन हो गया है, अभी काम पर पैच वर्क हुआ नहीं है, रास्ता बहुत खराब हो रहा है। तो जब तक काम चालू है जब तक उस पर पैच वर्क करा दिया जाए ताकि लोग जो धूल से और जो ट्यूबरक्लोसिस जैसे जो बीमारियाँ हो रही हैं लोगों को वो उनसे थोड़ी निजात मिल सके। मेरे गांव में रोजगार के जो दिन 100 कर रखे हैं उनको बढ़ाकर 150 का जो प्रस्ताव है वो कंप्लीट किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वर्क में उनको लोगों को वर्क मिल सके 150 दिन का, ताकि लोगों को स्थायी रोजगार एक प्रकार से स्थायी रोजगार 5-6 महीने का मिल जाए उनको, ताकि वो उनको अपने आर्थिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो जाए। हमारे यहाँ वन क्षेत्र अधिक है, वनों की कटाई बहुत, ये माफिया लोग वनों की कटाई बहुत करवाते हैं, तो उन वनों की कटाई को रोकने के लिए वन क्षेत्र में गश्ती बढ़ाई जाए और इनकी बाउंड्रियां की जाए। जो मुंगाना से नरवाली रोड जा रहा है वो बिल्कुल सकड़ी सड़क है और उसमें क्या ट्रैफिक काफ़ी है, तो एक तो उसको सड़क को चौड़ा करने की ज़रूरत है और दूसरा जो खड्डे पड़ गए हैं वो भरना है। दूसरी बात ऐसा है कि इस ग्रामीण एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा किसान लोग रहते हैं और किसानों को सिर्फ सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये मुंगाना एरिया और ग्राम पंचायत आना है ये सब टेल पे पड़ता है और जाखू का पानी टेल तक नहीं आता है। प्रशासन दावा करता है कि हम टेल पे पानी छोड़ेंगे, सब कुछ है, फर्स्ट पेल में आ जाता है, इसके बाद में पानी नहीं आता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पासली का नाका है, उस पासली के नाके से अगर टेल के लिए नहरें निकाल दी जाए और उन नहरों को पानी नीचे दिया जाए तो ये किसानों को फायदा हो सकता है। दूसरी बात, जैसे जितने भी हैं यहाँ पे काफ़ी गांव ऐसे हैं और काफ़ी जो फले ऐसे हैं जो बड़े बड़े फले हैं और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर आने के लायक हैं, लेकिन ऐसे ऐसे फले जैसे कि हमारे वहाँ है सागवान फला है, मोड़ी खेड़ा है और इधर साइनी चरपटिया की तरफ है, वहाँ क्या है कि से 7-7 किलोमीटर तक लोगों को कच्चों रास्तों पर जाना पड़ता है, उससे काफ़ी धूल उठती है और काफ़ी समस्या है। और दूसरी, जो सरकार की जितनी भी विभिन्न योजना है, जनहितकारी योजना है, उनको मूर्त रूप देने के लिए
जो बैंक के मार्फत जो बीसी बैठा रखे हैं उनको सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और उनकी संख्या बढ़ा के और व्यवस्थित काम चालू किया जाए, ताकि सरकार की जो भी योजना है, पेंशन योजना है, जो दूसरी योजना है, उनका पूरा पूरा फायदा ग्रामवासियों को मिल सके। दूसरी चीज, हम जो पंचायत में काम करते थे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, पहले हमारे पास काफी बजट आता था, हमारा BRGF पहले उन्होंने बंद कर दिया, SFC का पैसा बंद कर रही है, और इस तरह से पंचायत राज को ये सरकार पंगु बना रही है, तो पंचायत राज पंगु बन रहा है और एक तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है सब कुछ, कहती है कि ग्राम पंचायत सब कुछ है, ग्राम सभा सब कुछ है, लेकिन जब पंचायत राज को इतना कमजोर बना जा रहा है और पंचायत राज को जो बजट नहीं दिया जा रहा है, तो पंचायत वाले काम कहाँ से करेंगे? ये सभी पूरे राजस्थान में समस्या, सब जगह ये समस्या है। तो ये पंचायत राज को वापस पुणे की तरह, पहले की तरह पुणे बजट दिया जाए, और ये एक TSP एरिया है, और TSP एरिया में TSP क्षेत्र के विकास के लिए, इन लोगों को विकास और उत्थान के लिए ग्राम पंचायत के मार्फत राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को अतिरिक्त बजट देना चाहिए, ताकि ये लोग मूल धारा तक जुड़ सके। दूसरी, मेरे ग्राम पंचायत अनंत के अंदर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है, कहने में तो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, विभाग को काफी लिख दिया, सब कुछ किया है, लेकिन आज भी वहाँ कक्षों का अभाव है, चार दीवारी का अभाव है, आवारा पशु अंदर घूमते रहते हैं, और जाड़िया ऐसी है, उबड़ खाबड़ है, उसका हम पंचायत के मार्फत भी लेते हैं, लेकिन हम पंचायत का को पावर नहीं है, इतने बड़े स्कूल का काम करना वो नहीं है, हम विभाग के मार्फत कह रहे हैं, लेकिन विभाग ने आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की। समस्या सबसे बड़ी सड़कों की है, दरियावत तहसील की बाउंड्री को से बाहर जाते ही सब तरफ सड़कें हैं जो टापोटाप मिलती हैं, पूरी दरियावत तहसील में सड़कें उबड़ खाबड़ होकर पब्लिक को बहुत बड़ा परेशान होना पड़ रहा है, सड़कें कंप्लीट करना अति आवश्यक है। दूसरा, चिकित्सा के बारे में कई वर्षों से तहसील लेवल पे जो कम से कम महिला डॉक्टर होनी चाहिए, महिला डॉक्टर की आज तक व्यवस्था नहीं हुई। तीसरा, मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र है, 10 किलोमीटर के लीड में हमें इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, पारसोड़ा या निठाओ की तरफ। चौथा, मेरी पंचायत माइंसू के जो एरिया में आती है, जिससे वाटर लेवल डाउन हुआ है, तो वाटर लेवल को कंप्लीट करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को और राज्य सरकार को कई बार मैंने प्रस्ताव जनरल हाउस के थ्रू भेजे हैं, पंचायत के ग्राम सभा के मार्फत भी भेजे हैं। जाखम नदी 12 महीने पानी बहता है, अगर 4 एनीकट उसमें बना दिए जाते हैं तो कम से कम 8-10 पंचायत आसपास में होगी, सबका वाटर लेवल है जो बढ़ जाएगा और स्थायी समाधान है जो पानी। चिकित्सा के बारे में मैंने बताई दिया, शिक्षा के बारे में स्कूलों में स्टाफ की बहुत कमी है और स्टाफ की कमी होने से रिजल्ट सही नहीं बैठ पाता है, इसके बारे में भी हमने विभाग को जो कई बार लिखा, जनरल हाउस में हम हमेशा मुद्दा उठाते हैं, सारे अधिकारी मौजूद होते हैं, उनके सामने हमारी समस्या हम रखते हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाता है। एक हमारी माइंस में क्या है, एक ऐसा नियम बना हुआ है, माइंस लीज कंपनी वालों ने जो पूरा एरिया जब काश्तकारों के खाते हैं वो भी उनकी लीज में ले रखे हैं, और बिला नाम पे कम से कम 25-30 साल से लोग अपने कब्जे पे बैठे हैं, वो सालाना पेनल्टी भरने के बाद भी उनको खाते के अधिकार नहीं मिल रहे, जबकि हमने कहा पे है जो कंपनियों को समझा करके सरकार उनकी लीज बाउंड्री को कम करे और लोगों के जो 25-30 साल के कब्जे हैं उनको है जो खाते का अधिकार दिया जाए। हमारे ग्राम पंचायत लोधिया में मुंगाना पावर हाउस से टिमुटापुरा तक जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है, कि वर्षा ऋतु में तो बहुत कीचड़ हो जाती है, जिससे लोगों का आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है, और हमने कई बार विभाग PWD विभाग को भी इससे अवगत कराया, और MLA साहब को भी बताया, कलेक्टर साहब को भी लिखित में और मौखिक में अवगत कराया, परंतु हमारी सड़क का कोई ध्यान नहीं दिया। पंचायत की मुख्य समस्या रोड है, पारसोड़ा से दरियावत जो रोड है इतना खराब हो चुका है, आने जाने वालों को काफी दूर। इस रोड के लिए हमने काफी बार जनरल हाउस में मुद्दा उठाया पर इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा मुद्दा है शिक्षा, हमारे गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्तमान में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षों का अभाव है, बच्चे के बैठने के लिए मैंने मेरी पंचायत भी दे दी है, देवरे में बैठा रहा हूँ, और इसके अलावा बरामदे में बाहर यह एक सामुदायिक भवन बना हुआ है वहाँ बैठा रहा हूँ।
तीसरा सितिक्सा बारसोला पीएससी बनने पर सितिक्सा में राहत मिली है और एरिगेशन विभाग में जाखमबाद जब बढ़ा तब से नरेगा रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन दौरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि दौरे रिपेयरिंग के करावे। दूसरा, जाखमबाद होने से यहां अच्छा अनाज पैदा होता है लेकिन बेचने के लिए कच्ची मंडी जरूरी है। अब इस क्षेत्र में सभी किसान हैं, बिजली 2 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं आ रही है। बिजली 8 घंटे दे ताकि किसान पानी दे पाए। सबसे प्रथम तो सड़क की समस्या है। सड़क में 2-व्हीलर का यह हालत होता है, दिल्ली जैसा अनुभव करता हो यहाँ रहता, रात को दिन को जब भी रोड पर निकलता है इतनी धूल और मिट्टी आती है, बिल्कुल उससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सबसे चारों तरफ सड़कों का जाल खराब हो रहा है, एक तो सड़कों का सुधार किया जाए, दूसरी यहाँ इतना लंबा चौड़ा एरिया पड़ता है, बहुत से गाँवों के चारों तरफ बस्तियाँ हैं, तो यहाँ पंचायत समिति का एक बना दिया जाए पंचायत समिति, जिससे लोगों को सुविधा हो जाएगी, दरिया जाने के आने जाने के चक्कर नहीं पड़ेंगे। नंबर 3, चिकित्सा के लिए सीएससी यहाँ क्रमोन्नत हो चुकी है लेकिन बिल्डिंग का अभी तो कुछ हुआ नहीं है। पंचायत द्वारा जमीन भी दे चुकी है लेकिन बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है। नंबर 4, उप तहसील के लिए भी प्रस्तावित है, उप तहसील के लिए प्रस्ताव जा चुके हैं लेकिन अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी है और उप तहसील की कोई अभी तक व्यवस्था नहीं हुई। वाणिज्यिक बैंक कोई भी नहीं है, ग्रामीण बैंक होने की वजह से, वाणिज्यिक बैंक नहीं होने की वजह से लोगों को, व्यापारियों को कई असुविधा होती है। पारसोला जाना पड़ता है, नरवाली जाना पड़ता है, दरिया जाना पड़ता है, जो उनके लिए काफ़ी खर्चीला और समय व्यर्थ होता है। इसलिए यहाँ कमर्शियल बैंक खोली जाए, बड़ौदा है, SBB है, ऐसी बैंकें खोली जाए जिससे काफ़ी सुविधा हो जाएगी। सभी सर्कल पर एक लाइट व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे रात को चलने वालों को व्यवस्था रहे, जिससे कोई अदुविधा नहीं रहे। सेकेंड, सभी सर्कल पर कैमरा लगना चाहिए, जैसे चोरी करने के लिए सर्कल तो 2-3 ही होते हैं, जैसे बंदा जाएगा और चोरी होगी तो उसके लिए कानून व्यवस्था के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि नेता और इस टाइप का कुछ भी व्यवस्था ना रहे। कई बार देखता हूँ मैं, नेता होता है तो उसकी FIR 1 मिनट में हो जाती है, तो कानून ही व्यवस्था नहीं बरतेगा तो दूसरे क्या व्यवस्था बरतेंगे। और रोड की बात करूँ तो जैसलमेर में जैसे हालात है तो टूरिस्ट को यहाँ पर भेज देना चाहिए, इस टाइप की तो सड़कें हो गई यहाँ पर। तो इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर, और शिक्षा की बात करें तो जिस तरह मीटिंग होती है जिला स्तरीय और तहसील स्तर पर, सिर्फ मीटिंग होती है और काम तो दिखा नहीं आज दिन तक कुछ हुआ हो। इसी तरह स्कूल में भी टीचर भी जा रहा है तो वो सिर्फ बैठेगा, पढ़ाएगा तो है ही नहीं। इस तरह गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसको उच्च शिक्षा तो मिल ही नहीं रही है। हमारे चारों तरफ सड़क की हालत बहुत खराब है, इतने खड्डे हैं कि हमको भी मालूम नहीं पड़ता है कि हम सड़क पर चल रहे हैं, खड्डों पर चल रहे हैं। और दूसरी समस्या हमारे बैंक की है, जो भाई साहब ने अभी बताई है कि हम व्यापारियों को बारसोला, नरवाली, BOB या स्टेट बैंक में जाना पड़ता है, इससे हमारा समय भी बिगड़ता है और दूसरी बात कभी वारदात भी हो जाती है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि बैंक मुंगाना में BOB या स्टेट बैंक खोलने की कृपया करें। मुख्य समस्या सड़क की है, उसके बाद हमारे मंदिर में चोरी हुई थी, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब चोरी पकड़ी नहीं गई, इस ओर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी लापरवाही रही, इसी वजह से ये चोरी को नहीं पकड़ पाए। दूसरी बात, हमारे गांव में इतना बड़ा गांव होते हुए नेशनलाइज बैंक नहीं है, ये एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या है और इसका निराकरण करना, और इससे सरकार को कोई खर्चा नहीं है मगर ये व्यवस्था बिठानी है कि ये मुंगाना नेशनलाइज बैंक कैसे खोले, किस प्रकार से खोले, ये अब गवर्नमेंट के अपने लेवल का मामला है। मगर ये गांव बड़ा है, या हम व्यापारी हैं, हमको कई बार कभी रुपये का कोई पार्सल जाने आने में कोई नुकसान नहीं हो जाए, इस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए यह बैंक की समस्या है। दूसरा, मुंगाड़ा के आसपास के 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर सभी तरह की सब सड़कें सभी खराब है और इन सड़कों को बनाने की और ध्यान देना चाहिए। मेन तो सड़क की समस्या ज़्यादा है कि मांडवी रोड और पार्सला से रोड चल रहा है, उस रोड में एक पुलिया बना हुआ है, PW वाले ने क्या करा है, वो 4-5 पाइप डाल रखे, वो पाइप टूटने की वजह से इसमें डायरेक्ट मिट्टी डाल देते हैं ताकि वो पानी सब वापस जमा हो जाता है, सीपेज सब फूट रहा है, तो लोगों के
कम से कम 100 बीघा जमीन लोगों के नुकसान हो रहा है। अगर सरकार अगर यह समस्या हमारे निकाल दे, अगर वो पाइप थोड़े बहुत नीचे डाल के अगर वो समस्या निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रशासन की चाहे स्टाफ की कमी हो, स्टाफ को पूरा की है। बात दूसरे नंबर की बात है कि चिकित्सालय के अंदर जो निःशुल्क दवा के काउंटर चल रहे हैं वहाँ फार्मासिस्टों की नियुक्तियाँ नहीं हुई है, जिसकी वजह से दूसरी स्टाफ को लगाया जा रहा है और समय पर पेशेंट को मेडिसिन सही नहीं मिल पा रही है और पेशेंट को मेडिसिन सही नहीं मिल पा रही है तो पेशेंट बाहर से दवा लाने के लिए मजबूर हो रहा है। सरकार से एक ही अनुरोध, सरकार ने 16,000 निःशुल्क फार्मा के काउंटर खोले, उन पर फार्मासिस्ट बैठाए और निःशुल्क दवा की 400 प्रकार की दवाएं उनको सुचारू रूप से हॉस्पिटल में अवेलेबल कराए। तीसरी समस्या, मुख्य समस्या है कि अभी किसान की रवि की फसल बोने जा रहा है, किसान को टाइम पे खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा, या तो लैम्प्स की कालाबाजारी हो रही है या व्यापारियों के साथ मिलकर लैम्प्स का माल कहीं और जगह पे जा रहा है। जो किसान को टाइम पे खाद बीज नहीं मिल पा रहा है तो वो अधिक कीमत के अंदर खाद बीज मार्केट से लाके बो रहा है तो किसान का शोषण हो रहा है, तो इसको रोका जाए। सबसे बड़ी समस्या हमारे पंचायत में ये है कि लोधिया चौराहे से लगाकर रामदोजी बस स्टैंड तक लोगों ने रोड पर अतिक्रमण कर रखा है। PWD विभाग को भी हमने पहले ज्ञापन दे चुके हैं, ग्राम पंचायत उनका समर्थन और साथ देने के लिए तैयार है, फिर भी आज दिन तक वो अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सर्वप्रथम रोड की हालत बहुत खराब है, जिस प्रकार प्रतापगढ़ से मंदसौर रोड की हालत है उसी प्रकार खुता से लगाकर बुंगाबड़ माइंस तक ये रोड की हालत बहुत खराब है और हमारे गांव में स्टेट बैंक की भी सुविधा नहीं है और सबसे बड़ी समस्या पानी की हो रही है। पानी में ये हनुमान सागर अभी तक इसको कितने 10-15 सालों से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये हनुमान सागर बनाया जाए, आम लोगों की तकलीफ दूर हो, फिर भी न तो प्रशासन सुन रहा है न सरकार सुन रही है, आज दिन तक किसी ने भी नहीं दिया है। बहुत बार अखबारों में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी से हमने अवगत कराया, फिर भी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कृपया करके सरकार तक हमारी आवाज़ जाए और हनुमान सागर जल्द से जल्द बने और हमारे ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द निराकरण हो, यही हम मांग करते हैं। मेन बात सड़क की है, जो सड़क को बनाया जाए न इसको रिपेयर किया जाए। PWD में कहा तो PWD ने वाले कहा कि हम पेज वर्क करेंगे, इसका पेज वर्क करने से कोई फायदा नहीं है, ये एक महीने में वापस जैसा का तैसा हो जाएगा। इसको शीघ्र ही नया बनाया जाए, दरियाओं से भूंगाबड़ तक रोड बनाया जाए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ बैंक की व्यवस्था नहीं है, शीघ्र ही बैंक लगाया जाए। मुख्य रूप से जो दिक्कतें आज सुनने में आई, सभी जनप्रतिनिधि साहबान, सरपंच साहबान, गाँव के प्रबुद्ध जन सभी एकत्रित हुए एक मंच पर, और जो मुख्य बात निकल के आई, एक तो सड़क और यातायात की व्यवस्था, दूसरा बैंकिंग व्यवस्था राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए, मंडी के लिए, अस्पताल भवन के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापकों की कमी है उसके लिए, जो मूलभूत दो समस्याएं हैं शिक्षा और सड़क, इनके लिए जो चीज़ें निकल के आई है, जो समस्याएं निकल के आई है, ये वाकई बिल्कुल जिनाई समस्याएं हैं। और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जनप्रतिनिधि साहबान ने इस समस्याओं को उठाया तो ये सभी जनप्रतिनिधि साहबान भी जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, प्रशासन भी जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण सभी मिल करके इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूरी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार तक इन सारे प्रस्तावों को भिजवाना और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, इनसे भी निवेदन करके और सबके सामूहिक प्रयास से इन समस्याओं का निराकरण जितना से ज़्यादा हो सके और जनता को राहत मिल सके और यहाँ की उत्तरोत्तर उन्नति हो, शिक्षा की उन्नति हो, लोगों के स्वास्थ्य में उन्नति हो, समय पर लोगों का इलाज हो, इस सभी के लिए आपने जो मांग रखी निश्चित रूप से सरकार तक ये बात पहुँचेगी जी न्यूज़ के माध्यम से। हमारी राजस्थान सरकार, श्रीमान वसुंधरा राजे की सरकार, हम सब आपकी समस्या, प्रमुख समस्या है सड़क की। सड़क के बारे में अभी तो हम बात हुई एक्शन साहब से, पेच वर्क कर रहे हैं, जिसके बाद हमारे ये चित्तौड़गढ़ से पीठ सिबलगढ़ तक स्टेट हाईवे घोषित किया गया है, उसको भी हम जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी DPR भी तैयार हो चुकी है। दूसरी बात यहाँ हो रही है शिक्षा की, शिक्षा में वैसे तो यहाँ एकीकरण करके शिक्षकों की पूर्ति की जा रही है,
दूसरी बात, यहाँ रीट के एग्जाम भी हो चुके हैं, नए शिक्षक आने की आसार भी बन चुके हैं, अभी कल परसों मैंने पेपर में पढ़ा था। दूसरा, यहाँ पे थर्ड ग्रेड शिक्षक की भर्ती भी हो रही है, जिसके कारण हम स्कूलों में जल्दी शिक्षक का की पूर्ति कर सकेंगे। तीसरी बात, एक और हमारे राजस्थान सरकार ने योजना निकाली है जिसमें हम पंचायत में एक पंचायत सहायक भी लगाएंगे, जिसके द्वारा हम हर पंचायत में एक सहायक लगाएंगे, उसको 6,000 रुपये महीने का मानदेय मिलेगा, जिससे कि हमारे जो सचिवगण हैं उनको भी थोड़ी काम करने में सहायता मिलेगी। चौथा, हमारे जो अपने हॉस्पिटल हैं उसमें भी हम काम कर रहे हैं, हमारे पारसोला में आदर्श PHC हमारे विधायक साहब द्वारा घोषित किया गया 15 अगस्त को, जिससे हमारे मूलभूत सुविधा और बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं भी दी जाएगी। थोड़ा सा उनमें टाइम लगेगा पर हो जाएगा। यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण हमारे गोठा पंचायत के आश्रम को 2,37,00,000 रुपये दिए गए, जिसको नया छात्रावास पूरा बनेगा। और यहाँ पे सड़कों का काम भी चल रहा है, पहले जो भी प्रस्ताव भेजे गए हैं कम से कम 20-25 सड़क जो भी घोड़ा मुंगाना इनके बीच में जो फले में 2-2, 1-1 किलोमीटर डामरीकरण हो रहा है, दूसरे नई सड़क का भी प्रस्ताव लेके हम आगे की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर, जहां अस्थि रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन तथा मेडिसिन एवं सर्जरी के अनुभवी विशेषज्ञों की टीम किसी भी आपातकालीन स्थिति में इलाज हेतु 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यहां हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तथा आर्थ्रोस्कोपी हेतु विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है एक्सपर्ट डॉक्टर्स द्वारा सदा उचित मूल्य पर। जो हाँ बोले उसे छोड़ देता हूँ, जो ना बोले उसे तोड़ देता हूँ। घंटे का टाइम देते उसको, 22 घंटे हो गए। 22 घंटे उसके थे, अब अगले 2 घंटे मेरे। UB Factory in association with Dongri ka Raja in cinemas near you. TVS motorcycles के साथ चलती जाए दिवाली। TVS double धमाका ऑफर, Victor, Star City Plus और TVS Sport पर 2.99% इंटरेस्ट के साथ ₹3,000 तक की बचत या ₹5,999 डाउन पेमेंट। TVS की ये मोटरसाइकिल्स आज ही अपना और दिवाली के बाद भी दिवाली मना। TVS double धमाका ऑफर। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3,200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं LPG सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें।